नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर भाजपा ने झंडा वंदन कर मनाया 41वां स्थापना दिवस। भंडारा जिले में कोरोना से 9 की मौत, टैटू दुकान में हुई चोरी। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शहर भाजपा ने झंडा वंदन कर मनाया 41वां स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर नागपुर महानगर द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण एवं लॉकडाउन के मद्देनजर शांति पूर्वक मनाया जा रहा है। पक्ष के सभी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी खुद के घर में भाजपा का झंडा फहरा कर मनाएंगे। झंडा वंदन का मुख्य कार्यक्रम तिलक पुतला स्थित पार्टी कार्यालय के प्रांगण में मनाया गया। शहर अध्यक्ष आमदार प्रवीण दट्ट के आमदार विकास कुंभारे के हस्ते झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर राम अम्बुलकर, सुनील मित्रा, चंदन गोस्वामी उपस्थित थे। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष आमदार प्रवीण दट्ट के ने सभी को 41वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। तो वही दूसरी ओर भंडारा जिले में कोरोना से 9 की मौत। जिले में आज कोरोना के 9 मरीजों की मौत हो गई। वही 656 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए और एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5343 पर पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज 280 मरीजों के डिस्चार्ज किया गया। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 21517 हो गई है। अब तक 15813 मरीजों को डिस्चार्ज दिया जा चुका है। आज 9 मरीजों की मौत के साथ जिले में कोरोना के मृतकों की संख्या 360 हो गई है। आज मृत मरीजों में भंडारा तहसील में 6 तथा लाखुंदूर, मोहाड़ी और पौनी तहसील के 1 मरीज का समावेश है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग जारी रखने की अपील की है। तो वही तीसरी ओर टैटू दुकान में हुई चोरी। सदर के छावनी इलाके की एक टैटू दुकान में चोरी हुई है। कमल नयन मिश्रा की अचरज टावर में टैटू की दुकान है। रविवार की रात शटर का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपी ने दुकान में प्रवेश कर वहां से लैपटॉप, टैटू बनाने की मशीन सहित 1.25 लाख का सामान उड़ा लिया। आज सुबह घटना का पता चला। सदर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।